हेलो दोस्तों, कैसे सब सब? मेरा नाम अमित कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल में चले। तो दोस्तों, टावर स्पीकर, डबल टावर स्पीकर है दोस्तों, और इसकी वीडियो और वगैरह तो देखते रहते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार। और मेरे भी चैनल पर खूब सारी वीडियो है इससे रिलेटेड, सारी हर प्रकार की ओपन टेस्टिंग, अंदर घर के अंदर, लोबी के अंदर, कैसी साउंड, बेस क्वालिटी, सारी प्रकार की वीडियो है, आप जाकर देख लेना दोस्तों। वहीं हम दोस्तों एक थोड़ी सी, कई जो अपने व्यूअर्स हैं उनको दिक्कत आ रही है, या जो नया लेके जाता है टावर स्पीकर घर पे आते हैं तो कई बार उनको दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा अपने को पता नहीं है। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ उसके बारे में कि अपने जैसे मान लीजिए किसी के घर पे भी टावर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही आया है, तो इसके अंदर अपने चलाते हैं और कई बार क्या है, बेस नहीं आती है। अपने सोचते हैं यार अपने पास तो डिफेक्टिव पीस आ गया और इसकी बेस ही नहीं आ रही यार, इतना पैसा लगाया, सारा कुछ हमारा तो सब बर्बाद हो गया, और ये कोई इसमें टेक्निकल डिफॉल्ट हो सकता है या कुछ इस तरीके का, अपने सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से बेस नहीं आ रही है। तो ये दोस्तों मैं बता देता हूँ कि किस कारण से होता है। दोस्तों जब भी आप हीरा 3 प्रो जब भी आप लेके आओ दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपके साउंड के अंदर बेस ना आए ना, तो दोस्तों ये वायर होती है जो सेकेंड डमी वाली है ना, जो आप पहले तो आप सिंगल टावर को चला के देखो, जो मेन टावर है ना, इसको कोई भी तार अटैच नहीं करनी है, सिर्फ सिंगल को चलाओ, चला करके देखो भी बेस आ रही है तो अच्छा है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना, जो ये वाली वायर है ना, इसको आप जैसे यहां पे लगाते हो ना, तो जो ब्लैक वाली है ये देखो, इसके अंदर दो तरीके की वायर है, एक व्हाइट है और एक ये ब्लैक है। तो जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक में लगानी है, और व्हाइट वाली है जो ये इसके अंदर रेड के अंदर लगानी है। तो दोस्तों जब आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो आपकी बेस और साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जबरदस्त चलेगी। और कई बार अगर गलती से मान लीजिए उल्टे लगा दिए, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट के अंदर लगा दिया, तो आपकी जो बेस है वो खत्म हो जाएगी, बेस नहीं आएगी। आप कहोगे यार ये तो डिफेक्टिव पीस है या इसमें दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको ऐसा लगे कि इसमें ब्लैक वाली ब्लैक में लगा दी और व्हाइट वाली रेड के अंदर लगा दी तो भी नहीं आ रही आवाज, तो आप इसको ना एक बार चेंज कर लेना, इधर वाली इधर लगा देना और इधर वाली इधर। इस तरीके से दोस्तों आप चेंज करके देख सकते हो कि अगर अगर बेस ना आए तो दोस्तों आप चेंज कर लेना, और आपकी जो बेस की प्रॉब्लम है नहीं आ रही है तो वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कई बार अपने सही तरीके से वायर लग गए तो बेस और साउंड आता रहेगा। अगर बाय द वे लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट में लग गया तो साउंड की प्रॉब्लम रहती है, आवाज आएगी लेकिन इतनी क्लियर भी नहीं आएगी, बेस तो मतलब हल्की फुल्की आएगी, तो आप समझ लेना कि वायर चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक कर देना, और दोस्तों में अपने शेयर भी कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।